ये अपनी गाड़ी सर्विस हो रही है सामने। सबसे पहले इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग कर रहे हैं विद WD-40 स्प्रे। अभी स्पार्क प्लग्स ओपन कर रहे हैं, न्यू ऑयल फिल्टर लगा रहे हैं इसमें, तो भी डाल रहे हैं इसमें इंजन ऑयल। व्हील्स अपने आ चुके हैं बैलेंसिंग होके, ये पूरा एकदम नया हो जाएगा, एकदम न्यू हो गया। 3 से 9 के बीच में होना चाहिए। तो टोटल काम देख लेते हैं क्या क्या इसमें हुआ है। तो भाई गाड़ी में से सामान मैंने सारा निकाल लिया, और ये अपने डोर वाइजर हैं ये लगवाने हैं, पहले निकल गए थे, बाकी क्लीनिंग तो वहाँ पे हो जाएगी। सामान अपना सारा वैसे खाली कर दिया मैंने, अभी थोड़ा बहुत सामान इसमें बचा हुआ है वो वहीं पे ही बैग लेके और उसमें सारा सामान डाल लूँगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई मैं अभी जा रहा हूँ Hyundai सर्विस सेंटर अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, एंड अभी गाड़ी चल चुकी है अराउंड 30,000 क्रॉस कर चुकी है वैसे, एंड लास्ट जो सर्विस कराई थी मैंने वो 20,000 पे कराई थी। तो भी सर्विस सेंटर पहुंचने वाले हैं, एंड देन मैं वहाँ पर दिखाता हूँ क्या क्या इसमें चेंज करने वाले हैं, एंड कौन कौन से पार्ट 30,000 किलोमीटर पर चेंज होते हैं, क्या कॉस्ट आएगी टोटल सर्विस की, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो भी टोटल सर्विस कॉस्ट आएगी एंड बाकी जो पार्ट्स वगैरह हर एक चीज़ होगा वो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में इसमें बताने वाला हूँ। तो बस ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका हूँ मैं, सेक्टर 14 आया हूँ मैं इस वक्त। वो देखते हैं कि नंबर क्या आता है अपनी गाड़ी का, क्या नंबर चल रहा है अभी, सर्विसिंग है। तो भाई फाइनली पहुंच चुका हूँ मैं, एंड अपनी गाड़ी का नंबर है यहाँ पे आई थिंक 7th। अभी सामान खाली करते हैं, थोड़ा बहुत जो सामान है ना इसमें, थोड़ा ग्लोव बॉक्स में रखा हुआ है एंड छोटे मोटी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, तो सब खाली करता हूँ। चलो भाई बैग ले लिया मैंने और सारा सामान फटाफट इसमें डाल देता हूँ। तो अभी जॉब कार्ड बनेगा, थोड़ी देर वेट कर रहा हूँ, सामान मैंने सारा निकाल लिया है, अभी थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, जब नंबर आएगा तो बुला लेंगे। तो भाई अपनी गाड़ी का नंबर आ गया जॉब कार्ड ओपन होने के लिए। तो भाई अपनी गाड़ी का जॉब कार्ड रेडी हो चुका है, एंड मैं बता देता हूँ इसमें थर्ड सर्विस में क्या क्या होने वाला है। एक तो पेड सर्विस लेबर चार्ज है 2,400 रुपीज़, एंड ब्रेक शू क्लीनिंग होगी, पिछले जो ड्रम है वो क्लीन होंगे, डिस्क क्लीनिंग होंगी, डिस्क फेसिंग बोलते हैं उसको, एंड क्लिपर ग्रेसिंग वगैरह होगी तो वो उसका चार्ज है 1,400 रुपीज़। इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर चेंज होगा वो है 1,400 रुपीज़, एंड एयर फिल्टर है वो है 400 रुपीज़, एंड एक लुब्रिकेशन होगी 300 रुपीज़ की। लुब्रिकेशन में इंक्लूड होता है डोर हिंजेस, शोकर्स, इन सभी में लुब्रिकेशन की जाती है, एंड इसके अंदर एक फ्लशिंग चार्ज इन्होंने लगाया था 400 रुपीज़ का, वो मैंने कटवा दिया था, इसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो उसमें कटवा देना चाहिए। इसकी रिक्वायरमेंट बेसिकली जब होती है, जब 60-70,000 किलोमीटर चल जाती है गाड़ी तब आप करा लो, अभी तो 30,000 में यार ऐसी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। इंजन फ्लशिंग बेसिकली क्या होता है, जो गाड़ी के इंजन में जो कार्बन होता है ना सारा वो बाहर करता है, लेकिन कार्बन इतनी जल्दी नहीं जमता। अलाइनमेंट बैलेंसिंग चार्जेस उन्होंने लगाया था, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, वो मैंने कटवा दिया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली टोटल 1,200 रुपये के आसपास था। एंड एक डीकार्बोनाइजेशन था वो था 1,000 रुपये का, 900 रुपये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी रिक्वायरमेंट नहीं थी इसकी, ये भी आप मतलब 60-70,000 किलोमीटर के आसपास करा सकते हो। अभी 30,000 की सर्विस के अंदर यार ये सब चीज़ों की इतनी रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो अभी टोटल जो मेरा अमाउंट एस्टिमेट आया वो है 6,000 रुपये, 5,950 समथिंग प्लस GST अलग, तो जो टोटल बिल आएगा मेरा लगभग 6.5 या 7 के आसपास का आएगा, थोड़ा अमाउंट ज़्यादा है बट शोरूम पे यार इतना तो मिनिमम आता ही आता है। तो ये था अपना जॉब कार्ड, एंड सारा जो जो इसमें लिखा हुआ वो सब इसमें होने वाला है। अभी गाड़ी थोड़ी देर में अंदर जाएगी, वॉशिंग भी होगी उसके बाद, पहले वॉशिंग होगी या सर्विसिंग पहले करेंगे देखते हैं, वो डिपेंड करता है अंदर कितना रश होगा उसी हिसाब से, तो जब स्टार्ट होगा वो भी आपको सारा दिखाऊंगा। तो भैया अपनी गाड़ी सर्विस हो रही है सामने। तो अभी सबसे पहले इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग कर रहे हैं विद WD-40 स्प्रे, जितना भी अंदर कार्बन डिपॉजिट होता है वो स्प्रे से बाहर आ जाता है, मतलब वो सारा ना मतलब डिक्रीज हो जाता है। देन कपड़े से इसको पूरा अच्छे से वाइप कर लिया, इससे बेसिकली होता है कि कंबशन जो है वो प्रॉपर हो पाएगी, क्योंकि यहीं से मेन एयर इनटेक होती है। अगर थ्रॉटल बॉडी क्लीन नहीं रहेगी तो ओवरऑल कार के परफॉर्मेंस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। अभी स्पार्क प्लग्स ओपन कर रहे हैं, ये ओपन करके क्लीन करके देन वापस फिट किए जाएंगे, अभी रिप्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, आई थिंक नेक्स्ट सर्विस पे इसको रिप्लेस करेंगे। अभी सारे बुशेस चेक कर रहे हैं, जो शोकर बुश होते हैं एंड आर्म के पास बुश लगे होते हैं, तो ये बुश कहीं से कोई क्रैक ना हो। अब ऑयल फिल्टर रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ये ऑयल फिल्टर को ओपन कर दिया, ये ऑयल आपने देख लेना सारा ब्लैक ब्लैक निकल रहा है, ये ऑयल फिल्टर में से निकल रहा है, यहीं से ऑयल जो इंजन ऑयल होता है यहीं से फिल्टर होके इंजन में जाता है, जिससे वो क्लीन रहता है और भी। तो ये हर सर्विस पे रिप्लेसमेंट होती है इसकी भी। देन इसके बाद इंजन ऑयल निकालेंगे, तो आप देख सकते हो ये पूरा निकाल दिया, एंड ये इसको थ्रो कर देंगे,
एंड अब इसमें न्यू लगेगा प्रॉपर, इसमें से ऑयल सारा बाहर आ जाएगा जब तक। एंड अभी इंजन ऑयल निकाल रहे हैं, ड्रेन स्क्रू यहीं लगा होता है तो वो ओपन करेंगे एंड अभी देखना सारा ऑयल बाहर आ जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो सारा ऑयल बाहर आ चुका है एंड 2-3 मिनट के अंदर पूरा खाली हो जाएगा ये। देन इसको यहीं से वापस बंद कर देंगे, देन ऊपर से इसमें फ्रेश इंजन ऑयल डाला जाएगा। एंड अब साथ साथ अभी इसके टायर्स भी ओपन कर रहे हैं क्योंकि ब्रेक्स जो है वो क्लीन होंगी, डिस्क क्लीनिंग होंगी एंड अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी करवा रहा हूँ मैं। पहले मैंने कैंसिल करवाया था बट फिर सोचा कि अब जब आया हुआ हूँ वर्कशॉप में, गाड़ी आ चुकी है तो करा ही लेते हैं यार, एक बार में काम खत्म हो जाएगा। अगर आप कराना चाहते हो शोरूम से करा सकते हो या बाहर से कराना चाहो बाहर से भी करा सकते हो, मतलब कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। जो चीज़ नहीं करवानी हो आप पहले ही बोल दो, वो आपके यहाँ पर कैंसिल कर दी जाएगी। अभी इसे कैलिपर्स ओपन कर रहे हैं ताकि जो डिस्क क्लीनिंग होगी वो प्रॉपर हो पाए एंड डिस्क फेसिंग मशीन से इसको पूरा क्लीन किया जाएगा। शोरूम पे ना ये सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि हर काम को ना प्रॉपर तरीके से किया जाता है टाइम लगा करके, एंड सबसे अच्छी चीज़ है कि मशीन से किया जाता है, कोई हाथ से काम नहीं होता, हाथ से काफ़ी जगह परफेक्शन नहीं आ पाती है। ये अभी न्यू ऑयल फिल्टर लगा रहे हैं इसमें एंड इसी में से ही, जैसे मैंने आपको बताया ऑयल जो होता है इंजन ऑयल वो इसी के अंदर से फिल्टर होकर के इंजन में जाता है, तो ये रिप्लेस करा लेना चाहिए हर सर्विस पे। ये न्यू ऑयल फिल्टर लगा है एंड यहाँ से इंजन ऑयल ड्रेन हुआ था, इसका जो नट है वो अच्छे से टाइट कर रहे हैं, देन इसको प्रॉपरली क्लीन कर देंगे। ऑयल फिल्टर भी प्रॉपरली टाइट कर रहे हैं ताकि कहीं से भी कुछ लूज ना रह जाए। हर चीज़ प्रॉपरली चेक कर लेनी चाहिए साथ साथ, मैं इसलिए देख लेता हूँ एंड प्रॉपर से क्लीन भी कर दिया है। ये WD-40 स्प्रे है जिससे सारा जो ऑयल है ना चिकनापन जो होता है वो सारा इस स्प्रे से ख़त्म हो जाता है। एंड यहाँ से गियर ऑयल चेक कर रहे हैं कि वो चेंज करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी तो इसलिए वापस इसको बंद कर दिया। ये भी आई थिंक नेक्स्ट टू नेक्स्ट सर्विस पे होगा चेंज। व्हील बैलेंसिंग होकर आ चुके हैं, देन बाद में जाएंगे अलाइनमेंट के लिए। तो भी डाल रहे हैं इसमें इंजन ऑयल जो अराउंड 3-3.5 लीटर आता है इसमें एंड ये इसको पूरा फिल कर रहे हैं। इस जार के ऊपर क्वांटिटी मेजर का साइन बना होता है तो ये उतना ही जाता है जितनी इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा नहीं कि अंदाजे से डाल रहे हैं, ये प्रॉपर इसमें मेंशन होता है कितना लीटर इसके अंदर आएगा तभी इसमें प्रॉपर डाला जाता है। आप ये देख सकते हो थोड़ा सा इंजन ऑयल इसके अंदर बच गया है, तो ये इसलिए बचा है क्योंकि इसमें जितना आना था उतना आ चुका है। एंड ये डिपस्टिक है, इससे ऑयल जो लेवल है वो चेक कर लेते हैं, अभी इसमें डालेंगे देन बाहर निकालेंगे। इसके ऊपर मतलब निशान बना होता है लो एंड फुल का, अब लेवल चेक कर लिया इसमें तो इसमें मतलब ओके है। ये व्हील्स अपने आ चुके हैं बैलेंसिंग होके एंड अब इसको प्रॉपरली वापस फिट कर दिया जाएगा। टायर रोटेशन भी साथ साथ कर दिया, जो आगे लगे हुए थे वो पीछे चले गए टायर एंड जो पीछे लगे हुए थे वो आगे आ चुके हैं। तो भाई ये है डिस्क फेसिंग मशीन, इससे बेसिकली क्या होता है जो डिस्क हमारी लगी होती है जिसके ऊपर ब्रेक्स लगते हैं, आपने अगर कभी नोट किया होगा तो डिस्क के ऊपर कभी और लाइन आ जाती है हल्की हल्की बिल्कुल, जो नेचुरल है हर गाड़ी के अंदर आती है, डिस्क फेसिंग से वो प्रॉपर डिस्क जो है वो क्लीन हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा रेस्ट लगा हुआ है, लाइन है, ये पूरा एकदम नया हो जाएगा इससे। अभी उस साइड कर रहे हैं, जब इस साइड करेंगे मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, जितना भी लाइन है ना ब्राउन ब्राउन आप देखोगे ना डिस्क फेसिंग होने के बाद एकदम न्यू हो जाएगा ये। वहाँ का तो हो चुका है एंड अभी यहाँ का कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ का प्रॉपर दिखाऊंगा कैसे करते हैं। अभी पहले ये फिट कर रहे हैं ऊपर, जो ये मशीन का ही पार्ट है, मशीन इसके अंदर फिक्स होगी देन ये पूरा इसमें रोटेट करेगा, तो ये बार लगा ले मैं आपको प्रॉपर दिखाता हूँ। उसके बाद अच्छे से इसको पहले टाइट कर रहे हैं ताकि कहीं से भी कुछ स्लिप ना हो। अगर आप ये चीज़ बाहर से कराओगे ना वहाँ पर हाथ से करते हैं एंड यहाँ पर ये मशीन से कर रहे हैं, एंड आप देखना अभी जब ये पूरा हो जाएगा ना तो एकदम नीट एंड क्लीन होगा, जैसे न्यू डिस्क लगती है ना बिल्कुल वैसे। हार्डली 2-4 मिनट लगते हैं पूरा इसको प्रोसेस कंप्लीट होने में, तो आप देख सकते हो रिवॉल्वमेंट स्टार्ट हो चुकी है एंड इसमें धीरे धीरे करके ये पूरा इसको क्लीन कर देगा। आप ध्यान से देखोगे ना इसमें तो सिल्वर कलर की लाइन बन रही है धीरे धीरे एंड जो पुराना रस्टिंग वाला पार्ट था वो ख़त्म होता जा रहा है। तो आप ध्यान से देखो इसमें कलर कैसे चेंज हो चुका है, पूरा इसमें सिल्वर सिल्वर हो चुका है ना, तो ये पूरा क्लीन हो चुका है एंड एकदम न्यू हो गया है, जैसे अभी न्यू प्लेट लगाई हो ना इसके अंदर। ये जितना भी सारा छिलने के बाद गिरता है ना गंद वो सारा इसमें गिरता है, आप ये देख सकते हो डिस्क एकदम ऐसा लग रहा है न्यू लगवाई हो अभी एंड पूरा एकदम साफ हो चुका है अच्छे से। एंड जो 1400 रुपीज़ चार्ज लिए हैं वो बेसिकली सारा इसी में इंक्लूड था, जो क्लिपर ग्रीसिंग होती है, ब्रेक्स क्लीनिंग होती है एंड डिस्क फेसिंग होती है, इन सब चीज़ों का चार्ज 1400 रुपीज़ था। तो भाई सर्विस वाला काम हो चुका है, बैलेंसिंग हो चुकी है एंड अलाइनमेंट रह रहा है सिर्फ। अभी अलाइनमेंट के लिए गाड़ी यहाँ पर लाए हैं, अलाइनमेंट करा के देन उसके बाद सिर्फ वॉशिंग रह जाएगी।
ये सेंसर्स होते हैं, ये इसके अंदर लगाएंगे, देन ये पूरा सेंस कर लेगा सारे टायर अलाइंड हैं या नहीं है, और सारा रिपोर्ट इसके अंदर दिखाई देगा। अगर इसमें एंगल का डिफेक्ट होगा तो यहाँ पे सारा दिखा देगा, अगर ओके होगा तो यहाँ पे 00 रिपोर्ट आ जाएगी, बिल्कुल लेफ्ट एंड राइट इक्वल है। मीन्स ये टायर का इसमें दिखाता है, एक होता है लेफ्ट साइड, एक होती है राइट साइड, तो ये पूरा इसमें डिग्री दिखा देता है। अभी लगा रहे हैं, तो पहले अभी स्टीयरिंग सेंट्रलाइज कर रहे हैं, उससे सेंटर पता चल जाता है बिल्कुल कि भाई कहीं पर भी लेफ्ट या राइट आउट है तो वो सब पता चल जाएगा। वहाँ पे सामने डिस्प्ले में दिखा देगा स्टीयरिंग बिल्कुल सेंटर में, जब आ जाएगा ना, जैसे सेंटर में आ जाएगा वहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी स्टॉप, देन यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रोक देंगे इसको। वो देखो वो स्टॉप आ गया वहाँ पे ग्रीन कलर का, और यहाँ पे सेंटर में स्टीयरिंग आ गया बिल्कुल। हल्की लेफ्ट से आउट है, एकदम हल्की माइनर है। अभी आप देखो ये 3 से 9 के बीच में होना चाहिए और ये भी 3 से 9 के बीच में होना चाहिए, लेकिन हल्का सा। अच्छा, तो ये रेड हो रहा है ना, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है इस वजह से हो रहा है, और जो पॉजिटिव है मतलब ग्रीन, मतलब बिल्कुल ओके है रिपोर्ट। तो भाई अलाइनमेंट हो चुकी है, बिल्कुल माइनर सा ही आउट था, बट लगे हाथी वाला काम भी हो चुका है और बैलेंसिंग तो हो ही गई थी अंदर। अब जा रहे हैं वॉशिंग पे, जो फाइनल काम है गाड़ी का। तो भाई सर्विस वाला काम सारा हो चुका है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी मैं कर रहा हूँ उसमें एंटी रस्ट कोटिंग। यहाँ जितना भी सारा एरिया होता है ना, ये अंडर बॉडी जो भी कोटिंग होती है, नीचे भी होगा एंड साइडों में भी सारा। वैसे मैंने लास्ट टाइम करवाया था इसका, बट जब सर्विस पे आई है तो जहाँ पे थोड़ा बहुत हट चुका है तो फिर से कंप्लीट दोबारा कर देंगे। इससे बेनिफिट ये होता है कि अंडर बॉडी जो है ना रस्टिंग नहीं होती है, बॉडी में जैसे पानी लगता है भाई रोड पर चलते तो कीचड़ भी लगेगा, पानी भी लगेगा, तो उससे अंडर बॉडी में रस्टिंग नहीं आती। तो अंडर बॉडी प्रोटेक्शन के लिए एंटी रस्ट कोटिंग करी जाती है। तो भाई वो वहाँ पे पेंट उसमें गन में डाल रहे हैं, गन के थ्रू सारा अंडर बॉडी कोटिंग हो जाएगी। तो भाई फाइनली सारा काम हो चुका है और अब गाड़ी बाहर लेके जा रहे हैं, बिलिंग कराते हैं एंड देन यहाँ से निकलते हैं। तो भाई फाइनली अपना सारा काम हो चुका है एंड सर्विस एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग था यहाँ से, एंड अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये लो भैया गेट पास। तो भाई चलो चलते हैं अब यहाँ से, काफ़ी देर हो गई, 2:45 हो चुके हैं। सुबह मैं 9 बजे यहाँ पर आया था, 9 बजे नहीं, आई थिंक 9:30 तक आया था मैं यहाँ पे, एंड ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल चुका है। खैर टाइम लग ही जाता है शोरूम पे, बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं। गाड़ी भाई देखो इतनी नीट एंड क्लीन हो गई है, पूरा मस्त चमका दी अच्छे से। अंजलि मैडम थी सर्विस एडवाइज़र एंड उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छे से अटेंड किया, एक एक चीज़ को अच्छे से करवाया काम इसमें। एक मेन चीज़ यही होती है यार, अगर आप किसी भी सर्विस सेंटर पर काम कराते हो ना, अगर वहाँ पर आपको सर्विस अच्छी मिल रही है तो यार सबसे इससे मतलब इससे बढ़िया चीज़ और क्या चाहिए। कस्टमर को अच्छे से अटेंड करना एंड प्रॉपरली सारा काम करा के देना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी सर्विस सेंटर में। फाइनल लुक्स देख लो एक बार, एंड जो मैंने अंडर बॉडी कोटिंग कराई है वो मैं आप दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो अंदर सारा ब्लैक ब्लैक हो रहा है ना, ये सारा पेंट हुआ है। वैसे मैंने पहले करा रखी थी बट मैंने फिर से कोट कराया क्योंकि अभी सर्विस पे आई हुई थी, तो जो थोड़ा बहुत हट चुका था वो भी सारा इसमें कवर अप हो चुका है। एंड इस साइड पर भी आप देख सकते हो सारा, यहाँ पे यहाँ सारा पूरा पेंट हो चुका है प्रॉपरली। अंडर बॉडी कोटिंग जरूर करा लेनी चाहिए, वैसे चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड इसके नीचे भी सारा हो चुका है। तो टोटल सर्विस कॉस्ट की बात कर लेते हैं, मैंने टोटल कितना पे किया है। तो टोटल काम देख लेते हैं क्या क्या इसमें हुआ है। इंजन ऑयल चेंज हुआ है,
एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, ये तीन तो मैंडेटरी होता है, हर सर्विस पे होता ही होता है, बाकी चीज चेंज हो या ना हो। एंड उसके बाद मैंने अलाइनमेंट बैलेंसिंग कराई है, जो मैंने पहले कैंसिल करवाए थे क्योंकि अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, बट फिर मैंने सोचा कि सर्विस पे आया हुआ हूँ तो करवा लेता हूँ, एक बार मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर दोबारा अलग से आना पड़ेगा 2-4-6 महीने के बाद, तो सोचा मैं करा लेता हूँ, इसलिए मैंने ये करा लिया। ये अलाइनमेंट बैलेंसिंग का चार्जेस है, ये सारे जितना वेट इसमें यूज हुआ है हर व्हील के अंदर ग्राम्स के हिसाब से, जैसे एक व्हील में 10 ग्राम, एक में 15 ग्राम्स लगा, एक में 20 ग्राम, एक में 25 ग्राम्स, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रेट है। एंड उसके लेबर जो होता है वो यहाँ पे मेंशन है, व्हील बैलेंसिंग का ईच व्हील 170 रुपीज़ पर व्हील, मतलब देखो है तो कॉस्टली बट ठीक है, अब शोरूम का रेट तो यार ऐसे ही होगा, बाकी लोकल शॉप और शोरूम में थोड़ा फर्क तो रहता है, ये ऑब्वियस ही बात है, और काम में भी फर्क है, मैं ये नहीं कह रहा कि रेट का फर्क होता है, अगर आप शोरूम से काम करा रहे हो और बाहर लोकल शॉप से काम करा रहे हो तो आपको क्वालिटी का डिफरेंस मिलेगा ही मिलेगा। एक पीएमएस चार्ज है, जो लेबर चार्ज बता रहा था मैं आपको, पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस पीएमएस, लेबर चार्ज है 2500 रुपये, यहाँ पे डिस्काउंट के बाद 2200 रुपये का रखा है, 2189 ओवरऑल डिस्काउंट यहाँ वैसे मेंशन कर रखा है। एंड एक अलाइनमेंट कराई है, उसका चार्जेस 575 रुपीज़, बाकी लुब्रिकेशन चार्जेस हैं, जो हिंजेस में एंड शोकर्स में सब में लुब्रिकेट किया जाता है वो 350 रुपीज़ हैं, ये भी मैंने करा लिया है, पहले मैं करा नहीं रहा था, फिर सोचा चलो ठीक है करा लेते हैं। बाकी एक क्रिपर ग्रेसिंग है जो ब्रेक्स में लगती है, वो 168 रुपीज़ का डला है। टोटल जो बिल पे किया है वो 8033 रुपीज़ है, 8,500 था वैसे, डिस्काउंट के बाद 8033 रुपीज़ करा है। जो सर्विस एडवाइजर थी अंजलि मैम, उन्होंने ये परफ्यूम भी दिया लास्ट में, तो ये भी चलो अच्छा है, तो थैंक यू मैम को जो उन्होंने मुझे एक परफ्यूम गिफ्ट किया, तो इसको हम यहाँ लगा देते हैं, अभी ओपन नहीं किया, ओपन भी थोड़ी देर में कर दूंगा मैं। तो ओवरऑल ये सब था, एंड तो अब घर निकलता हूँ मैं, भूख भी काफ़ी तेज लग रही है, तो इस वीडियो को एंड करते हैं, होप करता हूँ आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।